नौगछिया के गोपालपुर विधानसभा के विधायक गोपाल मंडल के पुत्र आशीष मंडल पर कदवा थाने में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन व सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने की प्राथमिकी दर्ज की गई है। विधायक के पुत्र ग्रामीणों के समझौते के आधार पर दो पक्षों में मारपीट के केस को खत्म करने की मांग को लेकर कदवा थाने में धरना पर बैठ गए थे। कदवा थानाध्यक्ष नसीम अंसारी के बयान पर कदवा थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें विधायक के पुत्र आशीष मंडल व उसके समर्थक कासिमपुर कदवा के नवीन सिंह, जंगली टोला के राजनीति मंडल, बेलसंडी के इरफान अली, कैलू नदाफ, बौना सदाफ, शमशेर नदाफ, उसीप नदाफ, चाय टोला खैरपुर कदवा के नीजो मंडल, वीरेंद्र मंडल सहित 15 अज्ञात को नामजद आरोपित बनाया गया है। कदवा थानाध्यक्ष के अनुसार समझौते के आधार पर पुलिस केस समाप्त नहीं कर सकती है, इसके लिए कोर्ट जाना होगा। 19 अप्रैल को कदवा थाना के बिलसंडी में रास्ते में पानी गिराने को लेकर दो पक्षों में मारपीट हुई थी। शमशेर के भाई मौसिफ नदाफ की शादी 21 अप्रैल को सीमापुर में हुई। उन लोगों का कहना है कि रास्ते पर पानी गिरा दिया गया है, बारात कैसे जाएगी। इसी विवाद में दोनों पक्ष में मारपीट हो गई, जिसमें एक पक्ष से शमशेर नदाफ और दूसरे पक्ष से एक महिला घायल हो गई थी। इस संबंध में कदवा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। दोनों पक्षों की ओर से की गई प्राथमिकी को समझौते के आधार पर समाप्त करने के लिए धरना पर बैठ गए थे। भागलपुर में नौकरी के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। भागलपुर सिविल कोर्ट में रीना देवी ने अधिवक्ता आलय बनर्जी के माध्यम से नाथनगर में कार्यरत शिक्षक राघवेंद्र कुमार, नयागांव कुमेठा की शिक्षिका रीता चक्रवर्ती और अकबर नगर के कपिल देव पासवान पर एक नालसी मुकदमा दायर किया था, जहां कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर तीनों के ऊपर धारा 420 धोखाधड़ी मामले में संबंधित कई धाराओं से मुकदमा दर्ज कर कोर्ट ने संज्ञान में लेते हुए तीनों अभियुक्तों को सम्मन जारी किया है। वहीं रीना देवी के अधिवक्ता आलय बनर्जी ने कहा कि शिक्षक राघवेंद्र कुमार और शिक्षिका रीता चक्रवर्ती और अकबर नगर के कपिल देव पासवान ने अनौपचारिक शिक्षा में समायोजन के नाम पर करीब 20 से अधिक लोगों के साथ नौकरी के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी किया है। वहीं शिक्षक राघवेंद्र कुमार एवं शिक्षिका रीता चक्रवर्ती और कपिल देव पासवान द्वारा भागलपुर सहित अन्य कई जिलों में भी नौकरी के नाम पर एक गिरोह इनके द्वारा संचालित होता है, जहां शिक्षित बेरोजगार और भोले भाले लोगों को विश्वास में लेकर ठगी करना और धोखा देकर मोटी रकम उगाही करने में महारत हासिल है। वहीं शिक्षक राघवेंद्र कुमार समाज के असामाजिक तत्वों से गहरी साठगांठ रखता है और ऐसे जालसाजी कार्यों में असामाजिक तत्वों का इस्तेमाल करता है। श्रीमती रीना कुमारी उर्फ रीना देवी ने एक परिवाद बदनालसीवाद मुकदमा दायर किया है, जो कि लोगों को, युवा आदमियों को, बेरोजगार आदमियों को गुमराह करके नौकरी के नाम पर ठगी करने वाला एक गिरोह, जिसमें कि कपिल देव पासवान, राघवेंद्र कुमार उर्फ राघवेंद्र पासवान, रीता चक्रवर्ती और ये सब लोग मिल करके नौकरी के नाम पर ठगी करते हैं युवा से। इसी मामले में न्यायालय में एक परिवाद बात दायर हुआ है, जो जिसमें से कि राघवेंद्र कुमार और रीता चक्रवर्ती एक सरकारी कर्मचारी हैं, हाँ, और शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं और इन लोगों के षड्यंत्र से लोगों को ठगने का काम करते हैं, जिसके विरुद्ध में माननीय न्यायालय SAGM 14 ने इन लोगों के विरुद्ध मामला को संगीन मानते हुए 420 फर्जी 12 को उद्भेदन किया है, जिसमें गंभीर संज्ञान दिया है, जिसमें संज्ञान का नोटिस जारी किया है और उम्मीद है पीड़िता को न्याय मिलेगा। और युवा बेरोजगारों से मेरा संदेश है कि इस तरह के गुमराह से बचे कि ऐसे कोई व्यक्ति के जालसाजी में न आए और ठगी का शिकार ना हो। ये करीब करीब 100 लोगों से ज़्यादा लोगों को ठगी किया है, जैसे पता चलता है कि देखिए रीना देवी के माध्यम से चार युवकों को नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी किया है। IPC की धारा 420, 323, 504, 506 के अंतर्गत संज्ञान लिया है। पूरे बिहार सहित भागलपुर में धूप की वजह से प्रचंड गर्मी की मार पड़ रही है। सड़कों पर लॉकडाउन जैसे हालात बन पड़े हैं, तो वहीं लू की वजह से लोग घरों से बाहर निकलने से भी परहेज करते नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग ने भागलपुर जिले को रेड जोन में रखा है, वहीं स्ट्रांग हीट वेव को लेकर अलर्ट भी जारी किया है। मौसम का तेवर कुछ इस कदर है कि पिछले 3 दिनों से दोपहर के वक्त तापमान 42 डिग्री तक पहुंच जा रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने 30 मई से 3 मई तक लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। आग उगलती गर्मी को देखते हुए भागलपुर जिला प्रशासन ने भी लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। तो वहीं सभी विद्यालयों में 10 बजे से शाम 4 बजे तक कक्षाएं संचालित करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ेगी, इसके बचाव के लिए मेडिकल कॉलेज से लेकर स्वास्थ्य केंद्रों को अलर्ट रखा गया है। जिलाधिकारी डॉक्टर नवलकिशोर चौधरी ने बताया कि गर्मी लगातार बढ़ रही है, ऐसे में हम लोगों ने सुबह 10:30 से 4 बजे तक विद्यालय के संचालन पर रोक लगा दी है और लोगों से दोपहर 1 बजे से लेकर 3 बजे तक घर से बाहर न निकलने
फैलने की अपील की है। डीएम ने कहा कि सावधानी बरतते हुए लोग अपने सर को ढके, गीले कपड़े से मुंह पोंछते रहें, ठंडी चीज खाएं और लू से बचें। फिलहाल 3 मई तक गर्मी से राहत नहीं मिलने का अनुमान है। आने वाले दिनों में बढ़ती गर्मी को देखते हुए विद्यालय को बंद करने का आदेश भी जारी किया जा सकता है। अभी हीट वेव, स्ट्रांग हीट वेव चल रहा है, इसके लिए दिशा निर्देश हम लोगों को प्राप्त हुआ है। हम लोगों ने शहर में खास करके जगह जगह पे जो पानी की व्यवस्था है उसको भी हम लोगों ने सुनिश्चित किया है। साथ ही PHED के माध्यम से जितने हमारे चापाकल खराब थे उसको भी हम लोग रिपेयर करा रहे हैं और जल की आपूर्ति उचित समय पे विभिन्न जगहों पर उपलब्ध करा रहे हैं। और सभी स्कूल को हमने 10:30 तक ही संचालित करने का आदेश दिया है। 10:30 से लेकर के और 4 बजे तक कोई भी विद्यालय संचालित नहीं किए जाएंगे, ताकि छोटे बच्चों को ध्यान में रख करके हम लोगों ने निर्णय लिया है। दूसरा कि सभी आम नागरिक से अनुरोध करते हैं कि वे जो 11 से 3 के बीच में धूप में काम करने के लिए नहीं निकले, क्योंकि काफ़ी तीव्र धूप है और हवा चल रही है। थर्ड है कि कभी भी धूप यदि निकलने की आवश्यकता पड़ती है इस बीच में, तो कपड़ा को पानी में भिगा करके सर पे रखें या कपड़ा को भिगो करके अपने नाक के पास भी रखें, ताकि गर्म हवा उनके शरीर में प्रवेश नहीं कर पाए सांस के रूप में और वो बिल्कुल सुरक्षित रहें। और हमेशा नमक चीनी पानी का घोल तो वो पीते रहें। गर्मी तो खैर बेहिसाब है, क्योंकि निकलने का एकदम इच्छा नहीं हो रहा, वो तो मजबूरन निकलना पड़ रहा था कि एक छोटा सा काम था उसको करना भी बहुत आवश्यक था। बेटी को जब से स्कूल लाए हैं 10:30 बजे की स्थिति हम बता रहे हैं, उस समय ऐसा लग रहा था कि बाप रे बाप, एकदम असहनीय जब हमारे लिए था, हमारे बच्ची के लिए क्या स्थिति होगा। नहीं, स्कूल देखिए ऐसा है कि स्कूल बंद फिलहाल अभी जो स्थिति है उस हिसाब से कुछ दिन के लिए राहत देना चाहिए बच्चों के लिए, क्योंकि उनके अभिभावक तो मजबूर होते हैं, किसी तरह तो जाएंगे स्कूल पहुंचाएंगे। अभी तो हम लोग जैसे निकले हैं, देखिए ना अभी भींगा हुआ है कपड़ा, किसी तरह माथा पे भींगा भींगा करके यूज़ कर रहे हैं कि कम से कम कुछ राहत मिले, है ना, जल्दी से सारा काम निपटा के जितना जल्दी हो सके हम घर पहुंच जाए, क्योंकि जो स्थिति देख रहे हैं वो एकदम है कि बहुत असहनीय है एकदम, है ना, बहुत समस्या है। इसको अभी है कि किसी तरह मजबूरन जो है कि निकल रहे, तो निकलने का हिम्मत पता नहीं कैसे लोग कर रहे हैं। हम तो अब है कि चूँकि मजबूरी भी है, घर को लेकर के समस्या भी है, तो उस कारण तो निकलना ही पड़ेगा, लेकिन हमको लगता है कि कहीं ये दिक्कत ना हो जाए, कुछ जैसे कोई कमज़ोर व्यक्ति है उनके साथ कहीं कोई परेशानी ना हो जाए, जो इस गर्मी है 43 डिग्री 42 डिग्री बाप चल रहे हैं, तो ये हाथ एकदम ऐसा लग रहा है कि ताव मार रहा है। बहुत ज़्यादा है, इतने टेम्परेचर में अपना काम भी करना पड़ता है, बच्चे को छुट्टी भी नहीं मिला स्कूल में, मिलना चाहिए था, क्योंकि छोटा सा बच्चा जब छुट्टी होता है लगभग 10:30 बजे, उसमें तो धूप बिल्कुल ही तेज हो जाता है, लौटते बिल्कुल माथे में धूप होता है, 12 बज जाता है, बहुत ज़्यादा परेशानी है। बच्चे आते घर में लगता है कि क्या कहाँ है, मतलब कि मुसीबत से आए हैं, वो उन्हें डीएम साहब को देखना चाहिए, कुछ राहत मिले, स्कूल छुट्टी तो हो जाता है, लेकिन रास्ते में मेन तो धूप उसी टाइम होता है जब बच्चा मतलब रोड पर जाता है, जाम में फंस जाने पर और दिक्कत है। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है, जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर
यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सजौर थाना की पुलिस ने 50,000 के इनामी कुख्यात अपराधी ब्रजेश कुमार यादव को एक देसी कट्टा और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया है। ब्रजेश कुमार यादव पर जिले के विभिन्न थानों में हत्या, आर्म्स एक्ट, लूट जैसे आधा दर्जन से अधिक मामले दर्ज है। हाल के दिनों में ब्रजेश कुमार यादव ने सजौर थाना क्षेत्र के शाहकुंड निवासी पोस्टमैन मिथिलेश कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी थी। मामले में पुलिस ने 5 अभियुक्त को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस को इस घटना का माइंड ब्रजेश कुमार यादव की तलाश थी। आज का पीसी एक महत्वपूर्ण मामले से संबंधित है जिसमें एक सजौर थाना क्षेत्र अंतर्गत विगत तीन मार्च को ग्राम सपड़ैया में मिथिलेश कुमार उर्फ मिथुन कुमार जो पोस्टमैन के पद पे थे जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में पुलिस के द्वारा अब तक कुल 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है और इसमें जो मेन अभियुक्त अभी तक जो बच रहा था जिसका नाम है ब्रजेश कुमार यादव, पिता शैलेंद्र यादव, साकिन साहब जो कि सुल्तानगंज का रहने वाला है, इस पे 50,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया जा चुका था और यह जो इस पूरे हत्याकांड का मेन शूटर था और इसने पूर्व में भी कुल 3 हत्याएं की हैं। यह उसका 4th मर्डर केस है। इसके पूर्व में इसने सुल्तानगंज थाना कांड संख्या 256/22 जो कि सुमन नाम का एक लड़का है उसकी हत्या की गई थी, इसके द्वारा हत्या किया गया था। दूसरा अकबर नगर थाना कांड संख्या 11/22 जो कि रोड रेज में 2 ट्रक ड्राइवर गोली मारा गया था और जिसमें एक ट्रक ड्राइवर जो दोनों भाई थे उसमें एक ट्रक ड्राइवर की मृत्यु हो गई थी। तीसरी शाहकुंड थाना कांड संख्या 125/21 जिसमें कि डबल मर्डर का एक मामला था जिसमें राहुल और रुपेश को पैसा के विवाद के कारण गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो ये एक कुख्यात दुर्दांत अपराधी है। ये उसका 4th मर्डर केस जो हम लोगों ने जो इसमें इसकी गिरफ्तारी की है। 50,000 रुपये का इनाम था। ये इस जो हत्याकांड से इसमें जो मैटर है यह काफ़ी पेचीदा और काफ़ी पुलिस के हिसाब से काफ़ी जो है उलझा हुआ मामला था जिसमें नामजद अभियुक्त तो 2 थे लेकिन कुल हम लोगों ने अनुसंधान करते हुए अब तक कुल 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है जिसमें से यह है कि प्रमुख रूप से जो शूटर था। यह मर्डर जो मिथिलेश कुमार उर्फ मिथुन की जो मर्डर हुआ है इसके पीछे जो अब तक का अनुसंधान निकल के आया है यह प्रेम संबंध में इसका जो है मर्डर किया गया था। इसकी पत्नी जो अंजलि कुमारी है जिनको पूर्व में भी जेल भेजा जा चुका है, इनकी पत्नी का इनके मित्र जो है मृतक के मित्र सौरभ इनके साथ अवैध संबंध था। इस संबंध में जो है इन लोगों ने मिलकर ये पूरी एक साजिश के तहत अपने पति की हत्या करवाई है जिसमें शूटर जो है ब्रजेश कुमार यादव था। तो इस जो घटनाक्रम का पूरा खुलासा के साथ साथ इसमें जो सजौर थाना अध्यक्ष और DIP की टीम ने काफ़ी अच्छा बेहद अच्छा कार्य किया है, इसमें जो उचित इनको इनाम भी दिया जाएगा और जो इनामी 50,000 रुपये जो इनामी कुख्यात अपराधी जो गिरफ्तार किया गया है इसलिए इनको बहुत बहुत बधाई। भागलपुर की तिलका मांझी विश्वविद्यालय के IRPM डिपार्टमेंट में पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। गुरुवार को डिपार्टमेंट में प्रेजेंटेशन के दौरान छात्र प्यान सूरज डिहाइड्रेशन का शिकार होकर क्लासरूम में बेहोश होकर फर्श पर गिर गया, जिसके बाद डिपार्टमेंट के छात्रों ने प्रियान सूरज को सदर अस्पताल में भर्ती कराया। बता दें भागलपुर में भीषण गर्मी पड़ रही है। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए पीने का पानी उपलब्ध नहीं होना विश्वविद्यालय प्रशासन पर सवाल खड़े करता है। दिक्कत यही आ रहा है कि इसको पानी का पूरा डिहाइड्रेशन हो गया था और डिपार्टमेंट में ही गिर गया। हाँ, डिपार्टमेंट क्लास में ही गिर गया, क्लास में हम लोग हो गया पूरा। हम लोग प्रेजेंटेशन दे रहे थे, पीछे से गर्ल्स लोग दौड़ते हुए आई और बोली क्या कि गिर गया। हम लोग गए देखे तो पूरा मतलब इसको उठाए फिर बैठाए ब्रेंच व्रेंच पे, तो ये हेड डाउन अभी ये सदर अस्पताल भागलपुर का ही है, तो इसी से एम्बुलेंस से ही आए थे। तो सर डॉक्टर अभी चेक उक किए हैं तो उसको फिर लेके जा रहे हैं। प्रियांशु प्रशांत कुमार झा, इसका घर अकबर नगर में है। लीटर पानी नहीं है लेके चलेगा, 1 लीटर का बोतल लेके आएगा, रिफिल करने की सुविधा होना चाहिए। हम लोग के ना डिपार्टमेंट ना पानी की सुविधा ना टॉयलेट का कुछ है, ये नहीं है। शिक्षा कहाँ कैसे ग्रहण करेंगे जब तक पानी नहीं ग्रहण करेंगे। शिक्षा पानी दोनों साथ में आएगा।
भागलपुर के पीरपैंती थाना क्षेत्र के कटवा पहाड़ के समीप सड़क दुर्घटना हुई, जिसमें पूरब की तरफ से आ रही फॉर्चूनर गाड़ी को हाइवा ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर होने के बाद फॉर्चूनर पर सवार 3 लोग घायल हो गए, जिसमें गोथल्स पब्लिक स्कूल के संस्थापक प्रतिमा सिंह के पुत्र शिव शक्ति सिंह, रिसु राय व जीतू पहाड़िया सवार थे। घटना के वक्त पीरपैंती थाना की गश्ती दल भी मौजूद थी, जिसमें SI बबलू कुमार और निजी चालक मोहम्मद छोटू ने घायल हुए लोगों को बाहर निकाला और रेफर अस्पताल पीरपैंती पहुंचाया। हालांकि घटना स्थल से हाइवा चालक फरार हो गया। अस्पताल के चिकित्सक गणेश खंडालिया ने बताया कि शिव शक्ति सिंह के पैर की हड्डी में फ्रैक्चर है तथा कई जगह चोट आई और जीतू पहाड़िया के छाती में गंभीर चोट है। हालत को गंभीर देखते हुए दोनों को मायागंज रेफर कर दिया गया है। जानकारी प्राप्त होने तक पुलिस दोनों गाड़ी को अपने कब्जे में लेकर थाने ले आई। वहीं थानाध्यक्ष ने बताया कि अभी आवेदन किसी पक्ष की तरफ से नहीं दिया गया है। भागलपुर के सरकारी स्कूलों में काम कर रहे सफाई कर्मियों को कई महीनों से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है, जिससे आक्रोशित होकर सभी सफाई कर्मी जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय पहुंचकर हंगामा किया। सफाई कर्मियों का कहना है कि विभाग के द्वारा निजी कंपनी को सरकार द्वारा पैसा दे दिया गया है, लेकिन कंपनी हम लोगों को भुगतान नहीं कर रही। कंपनी के अकाउंटेंट का कहना है कि बैंक की गड़बड़ी के कारण वेतन भुगतान करने में समस्या आ रही है। 10 मई को सभी का वेतन भुगतान कर दिया जाएगा। सरकारी स्कूल में हाउसकीपिंग का चल रहा है, ठीक है। ये लोग फरवरी तक का पेमेंट सरकार से ले लिया है, ये लोग अभी तक पैसा दिया नहीं है, ले लिया है। हेमर टाइम बिल टेक्निक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, MD पैसा लेकर यहाँ से सहरसा चल गया है, वो यहाँ आता है नहीं है और यहाँ से कहता है अप्रूवल भेजे, अभी अप्रूवल देता ही नहीं है, पैसा दे ही नहीं रहे। एक महीना से लगातार ऑफिस का चक्कर लगा रहे हैं, अकाउंटेंट बोलता है अप्रूवल MD नहीं दे रहा है, MD बोलता है अकाउंटेंट से बात करो, इसी प्रक्रिया में अभी चल रहा है। इसीलिए हम लोग वहाँ से थक कर हम लोग गए DO ऑफिस, DO सर ये नहीं है, 6 तारीख को चेन्नई से आएंगे, इसलिए हम लोग DM ऑफिस आवाज जा रहे हैं। नहीं, इनका पैसा दिया गया है, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं दिया गया, लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि दिसंबर महीने में हम लोगों ने जो पेमेंट इन लोगों का किया है वो बैंक के गलत अकाउंट नंबर के कारण वापस आ गया है। कम से कम 5 बार हम लोगों ने पेमेंट किया है, लेकिन वो पेमेंट रिटर्न आ रहा है। उसकी वजह से हम लोगों ने इनको ये बोला है कि भाई जब तक ये आपके अकाउंट नंबर जो है वो करेक्ट नहीं हो जाते तब तक हम आगे का कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आगे का करेंगे तो वो भी वापस आएंगे। बस उसी चक्कर में ये लेट हो रहा है। कब तक पेमेंट हो जाएगा? 10 तारीख तक। भागलपुर जिले के अकबर नगर थाना क्षेत्र के रसीदपुर गांव के समीप NH-80 मुख्य सड़क मार्ग पर गुरुवार दोपहर SK सिंगला कंपनी के हाईवे वाहन ने रिटायर्ड दरोगा मोहम्मद मुर्शीद आलम को धक्का मार दिया, जिसके बाद मुर्शीद आलम की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। वहीं सड़क दुर्घटना के बाद ग्रामीण आक्रोशित होकर मुख्य सड़क मार्ग को जाम कर दिया, जिसके बाद घटना की जानकारी मिलने पर सुल्तानगंज अकबर नगर शाहकुंड थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और आक्रोशित ग्रामीणों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया और 4 घंटे बाद सड़क जाम को हटाया गया। आक्रोशित ग्रामीणों ने हाइवा के चालक पवन सिंह की जमकर पिटाई कर दी, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया है। चालक पवन कुमार सिंह को गंभीर अवस्था में मायागंज अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि मृतक के परिजनों को मुआवजा राशि जब तक नहीं दिया जाएगा तब तक सड़क जाम नहीं हटाया जाएगा। इसके बाद मौके पर अंचलाधिकारी रवि कुमार, सुल्तानगंज साकुंड अकबर नगर थाना पुलिस एवं SP सिंगला कंपनी के कई कर्मी मौके पर पहुंचकर मुआवजा राशि देने का आश्वासन देने के बाद सड़क जाम को हटाया गया। पुलिस ने सब को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मायागंज भेज दिया है। यहाँ पे अकबर नगर में आज एक हाइवा से काजू की मृत्यु हो गई एक्सीडेंट से, उसके बाद लोगों द्वारा आक्रोशित होकर सड़क जाम कर दिया गया, जिससे पुलिस एवं प्रशासन द्वारा लोगों को समझाकर रोड खाली करा दिया। मांग क्या था? मांग ये लोगों का था कि जो मृत्यु हुई है तो कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया जाए, मुआवजा दे।